जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे कुछ साथियों ने, कुछ फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि सर एक मॉक ड्रिल पे वीडियो बनाएं आप। तो आज मेरा टॉपिक होगा फायर मॉक ड्रिल। फायर मॉक ड्रिल किसी भी बिल्डिंग में, मॉल में, हॉल में, होटल में, हॉस्पिटल में, सिनेमाघर में, किसी भी संस्थान में, किसी भी बिल्डिंग में फायर मॉक ड्रिल कराने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग वालों को बताना पड़ता है। वहां पे अलार्म बजाना पड़ता है। अलार्म मैनुअल भी हो सकता है और अलार्म इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, पैनल के द्वारा जो अटैच रहता है। सबसे पहले उसको बजाना है। बजाते हुए बजाने के बाद में जितने भी फ्लोर हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहां पर, उनको आपको बाहर निकालना है। वो आपके असेंबली एरिया में आएंगे। असेंबली एरिया में जाके जल्दी से जल्दी उनको खड़ा होना है और खड़ा होकर के पर हेड काउंट करना है। पर हेड काउंट से हमें ये पता पड़ेगा कि हमारे फ्लोर पे इतने आदमी थे, इतनों को हमने बाहर निकाल लिया है और इतनों को हमने बचा लिया है और इतनों को हॉस्पिटल भेज दिया है और इतने बंदे अभी फंसे हुए हैं जिनका हमें रेस्क्यू करना है। सबसे पहले पर हेड काउंट करना है। पर हेड काउंट करने के बाद ये बहुत जल्दी में कार्रवाई होनी चाहिए इनकेस ऑफ इमरजेंसी, आग लगने की इमरजेंसी में पर हेड काउंट करते हुए। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मेरे पास इस फ्लोर पे इतने आदमी थे, इतनों को बचा लिया गया है, इतनों को मैंने हॉस्पिटल भेज दिया है और हॉस्पिटल भेजने के बाद इतने कैंडिडेट मेरे अभी भी फंसे हुए हैं। इसके बाद ये रूट, इमरजेंसी रूट सबको पता होना चाहिए, फायर एग्जिट रूट सबको पता होना चाहिए, रिफ्यूज एरिया हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए और इमरजेंसी में स्टेयर केस का इस्तेमाल करना है, सीढ़ी का इस्तेमाल करना है और दौड़ना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, तेज चाल में चलना है। और तेज चाल में आप चलें, दौड़े ना, हल्ला गुल्ला ना करें, पैनिक ना हो, साइन बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए। एक साइन बोर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दूसरा साइन, एक साइन बोर्ड के पास जब आप पहुंच जाते हैं तो दूसरा साइन बोर्ड आपको वहां से इजीली दिखाई देना चाहिए। ये रूट जो इमरजेंसी रूट हमारा होता है वो शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट होना चाहिए और नेट एंड क्लीन होना चाहिए। शॉर्टेस्ट छोटा होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। वहां पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और डू नॉट यूज लिफ्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसी भी इमरजेंसी के दौरान आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ऐसे में इलेक्ट्रिक सप्लाई कटअप हो जाती है। कटअप होने से क्या होता है, हमारी लिफ्ट बीच में रुक जाती है, इसमें स्मोक उसके अंदर चला जाता है और कैंडिडेट का या जो वहां पे है उसका दम घुट जाता है, दम घुटने से डेथ हो जाती है। अगर आपको ऑन आता है तो आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं और आपको नहीं आता है तो आप इमरजेंसी रूट से बाहर निकलिए, असेंबली एरिया में आइए और असेंबली एरिया पर हेड काउंट करें और काउंटिंग की जो लाइन है वो लाइन में खड़े हो, इकट्ठा एक जगह झुंड बना के खड़े ना हो क्योंकि लाइन में खड़े होने से आप इजिली काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये कर लें, अगर आपको वहां दिखाई दे रहा है तो दिखाई देते हुए आपको क्या करना है, वहां पे जितने भी विंडो हमारे डोर हैं आपके फ्लोर के उनको आपको बंद करना है। बंद करने से क्या होगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगी तो आग जल्दी से फैलेगी नहीं, धीरे धीरे फैलेगी। तो जितने भी गेट विंडो डोर आपको दिखाई दे रहे हैं आप उनको बंद करें और बाहर निकल जाएं और किसी भी हल्ला गुल्ले को ना करें, साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अगर वहां पे MCP आपको दिखाई दे रही है, मैनुअल कॉल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको पुल कर दें। पुल करने से क्या होगा, वहां पे अलार्म बजने लगेगा या अगर अलार्म नहीं बजता है तो आप उसको मैनुअली बजा के दबा के पुल करके बजा सकते हैं जिससे वहां पे लोगों को चेतावनी दे सकते हैं। और फायर फाइटिंग करना आता है तो आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करके फायर फाइटिंग कर सकते हैं, वरना आप असेंबली एरिया में आइए। और किसी को फर्स्ट एड देना है तो आप फर्स्ट एड जानते हैं तो दे सकते हैं। ऐसे में कैजुअलिटी मिलती है ब्लीडिंग की, अगर ब्लीडिंग आपको दिखाई दे रही है तो आप ब्लीडिंग रोकने का प्रावधान करें। फायर का नंबर आपको पता होना चाहिए, 101 पे कॉल करनी है और उसके साथ में ही आपको एम्बुलेंस का भी नंबर पता होना चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर होता है 102 और 102 के साथ एक स्टेट गवर्नमेंट का नंबर होता है 108, आपको वो भी पता होना चाहिए। और पता होने के साथ साथ आपको कॉल करना भी आना चाहिए, मैसेज कभी भी क्लियर देना चाहिए, मैसेज देते दफे घबराना नहीं चाहिए, उनको क्लियर एड्रेस नोट करवाना चाहिए। अगर आप मैसेज दे रहे हैं जैसे आपको बताना है 40 तो आपको बोलेंगे 4040, अगर आपको बताना है 14 तो 1414, क्योंकि ऐसे भी डाउट हो जाता है, आपको क्लियर मैसेज देना है
क्लियर मैसेज देते हुए आपको सब बंदों को बाहर निकालना है और उनकी सहायता करनी है और उनको सांत्वना देनी है कि आप घबराए नहीं कि फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं, आपको सबको निश्चित उतार लिया जाएगा, आसानी से रेस्क्यू कर लिया जाएगा, आप सब लोगों की जान बचा ली जाएगी। ये मॉक ड्रिल के अंदर होता है और मॉक ड्रिल में सबको क्या है कि स्मोक से बचाना होता है, क्योंकि स्मोक के अंदर क्या होता है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है। जब स्मोक ऊपर की तरफ जाता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, नीचे आता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, मिसों को जाने से दम घुटता है, वो पैनिक हो जाता है और दम घुटने से उसकी डेथ हो जाती है। और कभी भी जो भी आपको कैजुअलिटी मिलेंगी ऐसी इमरजेंसी में जहां पे फायर हो रही है, आपको ढूंढना है या सर्च ऑपरेशन करना है, तो जितने भी छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको आप किसी अलमारी में या टेबल के नीचे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है, वो वहां पे छुपे हुए होते हैं। और दूसरे कोई भी लेडीज आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको वॉशरूम में चेक कर सकते हैं, वॉशरूम में छिपती है। और जेंट्स अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जेंट्स की जो कैजुअलिटी आपको मिलेगी, आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो गेट के आसपास मिलेगी, क्योंकि वो बाहर निकलने की सोचता है, अपनी जान बचाने की सोचता है। और फिर भी अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।